हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ ये क्वेश्चन मोस्टली सेवन मार्क्स में आते हैं लेकिन कभी कभी ये टेन मार्क्स में भी आ जाते हैं सो so, अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या लिखना होता है एक्सप्लेन वेरियस मैथड्स फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ चार मैथड पढ़ेंगे सबसे पहला है क्रायोस्कोपिक मेथड जिसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी बोलते हैं सेकेंड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, थर्ड है व्हाइट विंसेंट मेथड एंड फोर्थ है स्प्रॉल्स मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड में हमें यह फॉर्मूला याद रखना होता है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस ए अपॉन बी यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फाइव टू क्या है जीरो पॉइंट फाइव टू वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा बॉडी फ्लूइड्स फ्रीज होता है यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स का लेकराइमल फ्लूइड एंड ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए इस टेम्परेचर का यूज करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने में यानी कि जो भी सॉल्यूशन अब इस टेम्परेचर पे जो हो होगी वो हमारे बॉडी फ्लूड्स के साथ आइसोटोनिक होगी तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते टाइम जीवी जो भी सब्सटेंस उसमें डाल रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उसे कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है इस फॉर्मूले में ए होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू अनएडजस्टेड सोल्यूशन या सब्सटेंस एंड बी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन परसेंट वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस और जीरो पॉइंट फाइव टू फ्रीजिंग पॉइंट है ब्लड का और लेकर सिक्रीशन का सेकेंड मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड जिसको टॉन्सिस इक्विवेलेंट भी बोलते हैं ड्रग का सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वह अमाउंट होता है जो कि वन ग्राम ऑफ ड्रग ऑस्मोटिकली के इक्विवेलेंट होता है ये इसका फॉर्मूला है ई इक्वल टू सेवेंटीन इंटू एल आईसो अपॉन एम ई यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है और एम यहाँ पे ड्रग का मॉलिकुलर वेट है उसके बाद हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि जीरो पॉइंट नाइन होता है सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो कि बॉडी फ्लूइड्स के आइसोटोनिक होता है और यहाँ पे ई सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है और एक्स क्वांटिटी ऑफ ड्रग होता है थर्ड मेथड है वाइट विंसेंट मेथड। इस मेथड में हम लोग सफिशियन क्वांटिटी में वाटर डालेंगे ड्रग के अंदर जिससे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए उसके बाद इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग ड्रग सॉल्यूशन में डालेंगे फाइनल वॉल्यूम के लिए जो भी वाटर सफिशियन क्वांटिटी में हम लोग ड्रग के अंदर डाले हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए उसकी क्वान्टिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे टू डब्लू इंटू ए इंटू एक सौ ग्यारह पॉइंट एक फोर्थ मैथड है स्प्राउल्स मैथड स्प्राउल्स मेथड को वाइट विंसेंट मेथड का मोडिफिकेशन भी बोला जाता है इसमें हमें इस फॉर्मूले को लिखना होता है w इंटू ई अपॉन वी इक्वस टू जीरो पॉइंट नाइन अपॉन हंड्रेड